मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फराह के लिए बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी फॉर फराह एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस बुक
And my best wishes to the entire team and the author. I'm looking forward because it's a very different point of view. And Farah has excelled in the world of the way she is designing things. I'm very happy for her and my best wishes to the entire team. देखिए मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी बताऊंगा फिल्मों के बारे में. चांदनी बार से हिंदू सरकार की जर्नी बड़ी अच्छी रही है. मैंने ऑलरेडी कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसपे रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंस्पेक्टर गालिब. उसको भी लेकर काफी चर्चे है. आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द फिल्म दैट्स द बैकड्रॉप ऑफ सैंड माइंस, सैंड माफिया पे एक्चुअली देखने जाओ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मैंने रिसर्च कर रहा था पिछले 6-8 महीने से. मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी रिसर्च के बिना फिल्म खत्म नहीं करता. मैं एक दो और भी सब्जेक्ट है, सीरीज के लिए काम कर रहा हूँ. मैं एक वेब सीरीज के लिए, तो आई वाज क्वाइट बिजी विद ऑल दिस थिंग. तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा हूँ बोल के. टाइम लगता है अच्छी चीज़ें और रिसर्च चीज़ें से वो मेरी जिस तरह का सिनेमा होता है, तो इट टेक्स टाइम. तो देयर इज अ रीजन आई वाज वर्किंग ऑन इट एंड आई एम हैप्पी इट्स नाउ ऑन द फैग एंड ऑफ कंप्लीटिंग एंड श्योरली वेरी सून द अनाउंसमेंट विल बी देयर. नहीं ऐसा कुछ नहीं. वो देखिए टाइटल है, मेरे प्रोडक्शन हाउस है, वो देर कीप रजिस्टरिंग टाइटल इस तरह से. तो ऐसे बहुत ऐसे टाइटल्स है, अवार्ड्स है, बॉलीवुड वाइफ्स है, अलग अलग टाइटल्स है हमारे पास है. तो ऐसा वी कीप रजिस्टरिंग टाइटल, बट दैट डजंट मीन वी आर मेकिंग अ फिल्म राइट नाउ, बट टाइटल वी जस्ट रजिस्टर. बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. जब दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का जब घोषणा हुई है, लता दीदी का फ़ोन आया मुझे. मैं लता दीदी, मेरे लाइफ में एक ऐसी जर्नी है कि मैं इतने सालों से लता दीदी को जानता हूँ. मेरी पिक्चर में 3 गाना गा चुकी है अब तक वो. मैं हर 15-20 दिन में लता दीदी को वैसे ही फ़ोन करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ. मैं हमेशा उनसे इंटरेक्ट करता हूँ. जब भी मैं दुखी होता हूँ, खुश होता हूँ, लता दीदी को फ़ोन करता हूँ. चाहे मैं अमेरिका में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, दुबई में हूँ, लंदन में हूँ, और या मुंबई में हूँ. और दीदी ने जब मुझे कहा कि अवार्ड हम आपको दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत बड़ा लगा. मेरे ख्याल से मेरे लिए ये पद्मश्री के बाद बहुत बड़ा अवार्ड है. ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, क्योंकि इतना पूरा इंस्टीट्यूशन का अवार्ड है. लता दीदी का फ़ोन आया तो मैं एकदम, मेरे आँख में आंसू आ गए कि इतना ऐसा सच बिग अचीवमेंट कि इतने बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया गया है. बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे अलग अलग अचीवमेंट्स. भीमसेन जोशी जी को लेकर, कपिल देव से लेकर शिवाजी गणेशन तक को अवार्ड दिया गया. वो अवार्ड मुझे दिया जा रहा है 24 तारीख को. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई कांट हाइड माई एक्साइटमेंट. इट्स रियली ग्रेट मोमेंट फॉर मी. मैं इतना नहीं क्रिकेट में फॉलो करता हूँ, बस मैं यही चाहूंगा कि जो अच्छी टीम है वो जीते. थैंक यू. Okay, the rest of the siblings, I'm going to ask you to make it short, sweet, and simple. Lilo, starting from you, please come up. Okay, you can do it. So whatever I get in trouble for, I brought in you. No, Farah is amazing. All those things that you just heard, I'm not going to repeat them. But I just want to say that, jokes apart, this girl is awesome. She's a gladiator. She keeps going. Say a little about your wife and then your mother. Don't worry, Fizza, I'm going to help you through it. Alright? Don't worry. First, Akeem, come up on stage. First, let's get Fizza. Fizza, come. Fizza, I'm just going to ask you straight. Does your mom allow you to party right now? Sometimes. My God. The apple is really falling far from the tree. Alright, another thing I wanted you to say, what is the most amazing thing you love about your mama and you can't live without her? Social media also, but get off it. We are monitoring you. Okay, go sit next to your mother, please. This awkward teenager here, Mr. Azan Ali.
We don't want monosyllables, we want full sentences. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.